दोस्तों कपिल वर्मा के डायरेक्ट की हुई ओम दी बैटल विदिन के ट्रेलर आ चुका है। मूवी के नाम से ये तो क्लियर है कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, पर बात ये है ट्रेलर कैसा है। बॉलीवुड का ये थ्रिलर एडिटिंग का फंडा कुछ समझाओ यार। पूरी स्टोरी स्टार्ट से एंड तक सीक्वेंस क्या होगा तो ट्रेलर में ही बता देता है। मूवी का सस्पेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है, स्टोरी में कुछ नयापन है ही नहीं, पर एक चीज अच्छा है, एक्शन प्लस इमोशन दोनों चीज का ही ध्यान रखा गया है। देश की हिफाजत करने वाले एक फादर और सन की स्टोरी है, जहां बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है अपने पिता के नाम पर उठे गए देशद्रोही का टैग हटाना और साथ ही में देश का रक्षा करना। इस मिशन के बीच कई सारे हार्डल के साथ साथ अपना याददाश्त होना मूवी में और क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप ट्रेलर से ही पता चल रहा है, तो इससे मूवी का इंटरेस्ट खत्म होना नॉर्मल सी बात है। ये तो रहा स्टोरी, पर रीजन कुछ और भी है। क्या रीजन? रुको जरा, सबर करो। दोस्तों ट्रेलर के काफी सारे सीन्स देख के हीरोपंती 2 के टाइगर श्रॉफ का याद आ गया। यहाँ पे बता दूं हीरोपंती 2 के डायरेक्टर और ओम के प्रोड्यूसर सेम ही है द ग्रेट आमिर खान। अंदर से मालूम था लाइफ में मैं कुछ करेगा। ये छोड़ के भी शिव वाला सीन जो ट्रेलर में देखने को मिला उसका विजुअल इफेक्ट विक्रांत रोना से काफी सिमिलर है, तो ऐसे काफी सारे सिमिलरिटीज मिलने के बाद अलग से ट्रेलर देखकर कुछ इंटरेस्ट पड़ा ही नहीं तो बोल दो ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेगा आदित्य रॉय कपूर, संजना संघी, प्रकाश राज, जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा। ट्रेलर पे एक्सेस मुझे अच्छा लगा BGM इफेक्ट और विजुअल। आदित्य राय कपूर के लुक फिजिक्स काफी जबरदस्त है और एक्टिंग तो मस्त करते ही है। होपफुली इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स है, वहाँ मीनिंगलेस एक्शन स्टंट शायद ही ना देखने को मिले। बाकी तो मूवी निकलने का इंतजार है। 1 जुलाई को मूवी थिएटर में रिलीज होगा। आप सब बताइए आप सबको ट्रेलर कैसा लगा और आदित्य राय कपूर के फैन आप में से कौन कौन है जरूर बताइए कॉमेंट करके, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना अपना रखिए ख्याल। टेक केयर टू ऑल, टाटा।